बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अमेरिका से जो बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर पर छापा मारा है। इस कार्रवाई पर ट्रंप भड़क गए और कहा कि इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के घर की तलाशी कभी नहीं ली गई। छापा क्यों मारा जा रहा है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वजह को लेकर ना तो एफबीआई और ना ही ट्रंप की ओर से कोई जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर पर छापा मारा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस खबर से भड़क गए हैं और कहा है कि ऐसा अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, इस बार क्यों हो रहा है। इसकी जानकारी ना तो एफबीआई की ओर से दी गई है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस पर कुछ कहा गया है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय, और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए प्रणा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के 45वें पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि एफबीआई की जो कार्रवाई है ये अभियोजन तंत्र का दुरुपयोग है। और जिस तरीके से उनके घर पर रेड की गई, जो मार-ए-लागो का एस्टेट है उनका फ्लोरिडा में, क्योंकि राष्ट्रपति पद से का दफ्तर छोड़ने के बाद से वो मार-ए-लागो में रह रहे हैं, और ये जो पूरा मामला है ये व्हाइट हाउस के कुछ क्लासिफाइड दस्तावेज जो हैं उनकी हैंडलिंग को लेकर है, जिसके लिए मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के दो इन्वेस्टिगेशन इस समय पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे हैं, और उसमें एक मामला जो है 6 जनवरी 2021 में राष्ट्रपति पद छोड़ने की जो कार्यवाही थी उसके मद्देनजर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने की जो कोशिश थी उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा व्हाइट हाउस के दस्तावेजों को जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने बयान में आरोप लगाया गया है कि ये सारी कवायद 2024 में उन्हें राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से रोकने के लिए हो रही है, और ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। और फ्लोरिडा में उनके समर्थकों के जुटने का सिलसिला भी वहां शुरू हुआ है, मायामी फ्लोरिडा में मार-ए-लागो में, और ये भी खबर आ रही है। और इसमें चूंकि नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर प्राइम मिड टर्म होने हैं, और इस मिड टर्म से पहले रिपब्लिकन पार्टी इसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकती है, तो लिहाजा अमेरिका की सियासत इस एफबीआई की रेड से काफी गर्मा गई है। जी प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, लेकिन इस वक्त एफबीआई की ओर से उनके फ्लोरिडा वाले घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।